स्टूडेंट्स होमवर्क का जो होमवर्क में सम दिया था उसकी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट आएगा 7,535.5 लाख 37,50,000 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 37,50,000 सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 37,50,000 टू बैंक 2,50,000 टू शेयर कैपिटल 35 लाख एंट्री नंबर 3 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 28 लाख टू शेयर प्रीमियम 21 लाख टू शेयर कैपिटल 7 लाख नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 28 लाख 28 लाख फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 14 लाख 14 लाख फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल 14 लाख 14 लाख फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 14 लाख टू शेयर कैपिटल 14 लाख एंड लास्ट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल 14 लाख 14 लाख डन है स्टूडेंट्स थर्ड नंबर एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 28 लाख टू शेयर प्रीमियम 21 लाख टू शेयर कैपिटल 7 लाख सर सेकंड नंबर की एंट्री बोल एक बार सेकंड नंबर एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 37,50,000 टू बैंक 2,50,000 टू शेयर कैपिटल 35 लाख डन है स्टूडेंट्स यस स्टूडेंट्स डन है यस सर चलो जोरदार सम लिखेंगे बेटा लिखो स्टूडेंट्स सम मस्त सम लिखा रहा हूं बेटा वोडाफोन लिमिटेड इश्यूड 8 lakh equity shares of rupees 10 each at 40% premium Vodafone Limited issued 8 lakh equity shares of rupees 10 each at 40% premium. Full stop. Amount was called upon equally. Amount was called upon equally in 4 installments. In 4 installments with application, comma, allotment, comma, first call, and final call. Full stop. Company has received. सर मैं लास्ट थर्ड लाइन क्या बोली लास्ट थर्ड लाइन बेटा वैसे तो लास्ट थर्ड लाइन तो कैसे पता चले मेरे को सर अपॉन इक्वली के बाद अपॉन इक्वली विद एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ओके सर फुल स्टॉप कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑफ 8,20,000 शेयर्स तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा बाकी सबको सुनाई दे रहा है कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑफ 8,20,000 शेयर्स एंड एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड
and access applications were rejected. स्टूडेंट्स कैलकुलेशन पे ध्यान देना बेटा. स्टूडेंट्स एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया है, उसके ऊपर प्रीमियम कितना बेटा 40%. 40% का मतलब 10 का 40% करो बेटा तो 4 रुपया प्रीमियम. टोटल कितना रुपया हुआ बेटा 14 रुपीज. 14 रुपीज 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं तो 14/4 करो बेटा 3.5. तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हमने इश्यू किए 8 लाख शेयर्स. सब जगह पे हम लोग लिखेंगे 8 लाख. सर 8,20,000 बेटा वो 8,20,000 मिले हैं इश्यू 8 लाख शेयर्स किए हैं. विशाल Yes, sir, sorry. हाँ ध्यान दो हर जगह पे इनटू 3.5. स्टूडेंट्स एंट्रीज में इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 4 रुपया प्रीमियम है. वो 4 रुपया प्रीमियम सबके साथ होगा, सब में 1-1 रुपया प्रीमियम होगा क्योंकि ऐसा लिखा है बेटा कि टोटल 14 रुपया 4 इंस्टॉलमेंट में, तो चारों इंस्टॉलमेंट में 1-1 रुपया हमारा प्रीमियम इंक्लूडेड है. तो वो एंट्रीज पे अपन को फोकस करना पड़ेगा. 8 लाख इंटू 3.5 करो बेटा 28 लाख. कितना 28 लाख. 28 लाख. सर मैं रिजॉइन करूँ आपका वीडियो ही नहीं आ रहा. हाँ करो रिजॉइन फटाफट. स्टूडेंट्स यहाँ तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट बढ़े? सर वो सर एक बार समझाओ ना वो प्रीमियम वाला. 10 रुपीज का शेयर 40% प्रीमियम, 10 का 40% मतलब 4 रुपया, तो टोटल 14 रुपया हो गया शेयर. 4 इंस्टॉलमेंट्स में हमारे पास पैसा आ रहा है 14/4 मतलब 3.5 रुपया. हर जगह पे 3.5 रुपया हम लोगों को मिलेगा. अब ये हर जगह पे जो 3.5 रुपया मिल रहा है ना टोटल 4 रुपया प्रीमियम है और 4 इंस्टॉलमेंट्स है तो 4/4 हर इंस्टॉलमेंट पे हम लोगों को 1 रुपया प्रीमियम का मिलेगा. लेकिन उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो एंट्रीज में काम आएगा. यहां तक की कैलकुलेशन क्लियर स्टूडेंट सब लोगों को? यस सर. अब हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं 8,20,000 शेयर्स की इनटू 3.5 रुपए एप्लीकेशन का. मल्टीप्लाई करो बेटा टोटल कितने पैसे आए. ट्वेंटी एट लाख सेवेंटी थाउजेंड रुपीज आया. एक्सेस एप्लीकेशंस अपन रिजेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेस एप्लीकेशंस है हमारे पास 20,000 इनटू 3.5 मतलब 70,000. बाकी जो 28 लाख रुपया बचा बेटा ये हमारा एप्लीकेशन का 28 लाख रुपया है. ये यहाँ पे नील और ये एप्लीकेशन का पैसा हमको पूरा पूरा मिल गया. स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट बेटा यहाँ तक? और एक बार वापस समझा ना वो मेरे में आवाज कट रही थी. तो टोटल हमको 8,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली है. एप्लीकेशन का 3.5 रुपया मतलब 28,70,000 रुपया मिला. एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड. 8,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हमको पब्लिक को 8 लाख शेयर्स देने मतलब 20,000 शेयर्स हमारे पास एक्स्ट्रा है. तो 20,000 इंटू 3.5 इट मीन 70,000 आर टू बी रिजेक्टेड. बाकी 28 लाख रुपया बचा. And that 28 lakh is of application. Calculation clear to everyone, students? Yes, sir. Yes, beta. Yes, sir. Sir, वो आपने 28 lakh मतलब 8,20,000 share पे क्यों किया? मतलब 8 lakh का तो हमने premium निकाल दिया ना? तो direct 20,000 into 3.5. मैं premium की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे premium की बात ही कहाँ करी? मैंने क्या बोला? Premium तो entries में आएगा ना? ये तो मैं सिर्फ calculation कर रहा हूँ shares की. हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई है? 8,20,000 की आई है ना? हाँ 20. तो जो 20,000 है वो तो अपन को रिजेक्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा वाला क्योंकि सेबी का रूल है कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स अपने पास नहीं रख सकती है. यस. तो 20,000 इंटू 3.5 70,000 हम वापस करेंगे. बाकी 28 लाख बचा वो हम लोग एप्लीकेशन में डाल देंगे. क्लियर है? ओके सर. तो प्रीमियम सब में
इंक्लूड करेंगे सब में एक एक रुपया प्रीमियम बढ़ा, क्योंकि टोटल 4 रुपया प्रीमियम है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4 इंस्टॉलमेंट पे सेम अमाउंट मंगवा रहे हैं। हम लोगों ने जो संडे को सम किया था, संडे वाले सम में कैसा था, प्रीमियम हमको स्पेसिफाइड था कि प्रीमियम अलॉटमेंट में ही था, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। हम यहाँ पे सारा पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं एंड इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल, तो जो प्रीमियम का पैसा है वो भी चारों इंस्टॉलमेंट में इक्वल आएगा। 4 रुपया प्रीमियम का है एंड वी हैव 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का पैसा 1-1 रुपया हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। चलो फर्स्ट एंट्री कौन ट्राई करता है बेटा, देखता हूँ। सर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 28। गगनदीप एक मिनट, माई कुछ डाउट है बेटा, माई पूछो पहले डाउट। सर ये रिजेक्शन वाले कैलकुलेशन समझा, नेटवर्क इश्यू था इसलिए। हमारे पास टोटल 8,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, उसमें से हमको पब्लिक को 8,00,000 शेयर्स देने हैं, तो अपने पास कितने शेयर्स एक्स्ट्रा है, 20,000 इनटू 3.5 रुपया एप्लीकेशन का, 70,000 रुपीज हम लोग पब्लिक को वापस करेंगे। तो 28,70,000 में से 70,000 का बाकी 28,00,000 बचा, वो 28,00,000 हमारा एप्लीकेशन का है। क्लियर माई? Yes, sir. Okay. लवीना आई है? लवीना, लवीना आई है बेटा? सिमरन आई है? सिमरन? Yes, sir. सिमरन फर्स्ट एंट्री बोलो बेटा। सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 28,70,000 बेटा, क्योंकि हमारे पास 8,20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, ये वाली 28,70,000 रुपीस हमारे पास आएगा। ओके सिमरन? यस सर। स्टूडेंट्स सेकेंड एंट्री पे ध्यान देना बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 28,70,000 आया टू बैंक, 70,000 हम लोगों ने वापस किया टू शेयर प्रीमियम, क्योंकि इसके अंदर प्रीमियम के भी पैसे हैं। अब प्रीमियम कैसे आएगा, एप्लीकेशन पे 1 रुपया प्रीमियम है इनटू 8,00,000 शेयर्स, मतलब 8,00,000 रुपया प्रीमियम का हो जाएगा, और बाकी पैसे टू शेयर कैपिटल में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे 20,00,000 रुपीज। स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 2 क्लियर बेटा सबको? सर एक बार फिर से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 28,70,000 टू बैंक, 70,000 हम लोगों ने रिजेक्ट किया, वो बैंक में चला जाएगा, एप्लीकेशन पे 1 रुपया प्रीमियम है, तो टू शेयर प्रीमियम 1 × 8,00,000 बाकी पैसा टू शेयर कैपिटल में। स्टूडेंट्स एंट्री नंबर 2 क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. विशाल प्रजापति एंट्री नंबर 3 ट्राई कर बेटा। विशाल प्रजापति, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवा रहे बेटा, 28,00,000, उसमें से प्रीमियम 1 रुपया प्रीमियम इंटू 8,00,000, मतलब 8,00,000 रुपया प्रीमियम का, और बाकी 20,00,000 रुपीस कैपिटल में चला जाएगा। एंट्री नंबर 3 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? एंट्री नंबर 3 क्लियर बेटा? यस सर। एक बार फिर से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे हम लोग 28,00,000 रुपए मंगवा रहे हैं, टू शेयर प्रीमियम 1 रुपया अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंटू 8,00,000 शेयर्स, 1 × 8,00,000, 8,00,000, और बाकी 20,00,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल में। सिंपल, डन है? डन सर। ओके श्याम चल फोर्थ नंबर एंट्री ट्राई कर बेटा। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 28,00,000 पूरे।
एंट्री नंबर 5 पद्मनाभ पद्मनाभ कैन यू हियर मी बेटा यस सर पद्मनाभ 5th नंबर एंट्री ट्राई करो बेटा सर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम वेरी गुड बेटा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल में 28 लाख टू शेयर प्रीमियम में फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है 1 रुपया इंटू 8 लाख शेयर्स मतलब 8 लाख रुपया प्रीमियम में चला जाएगा एंड बाकी पैसे 20 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में चले जाएंगे एंट्री नंबर 5 क्लियर बेटा यस सर चलो एंट्री नंबर 6 एंट्री नंबर 6 कौन ट्राई करेगा खुशी गोस्वामी कैन यू हियर मी यस सर यस खुशी 6th नंबर एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 28 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 28 लाख 28 लाख एंट्री नंबर 7 इधर लिख रहा हूं बेटा वृतिक एंट्री नंबर 7 ट्राई करो बेटा वृतिक एंट्री नंबर 7 बेटा सर वो नहीं आती है सर 7th नंबर 7th नंबर एंट्री किस चीज की होगी बेटा ये बताओ मुझे वरुण आया वरुण सर वरुण 7th नंबर एंट्री ट्राई कर बेटा शेयर फाइनल कॉल टू शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल फाइनल कॉल पे 28 लाख रुपीज टू शेयर प्रीमियम 1 × 8 लाख मतलब 8 लाख रुपया प्रीमियम एंड बाकी 20 लाख रुपीज कैपिटल में वृतिक पता चला बेटा 7th एंट्री हाँ 8th नंबर एंट्री दिया प्रजापति 8th नंबर एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 28 लाख 28 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 28 लाख 28 लाख स्टूडेंट सम क्लियर बेटा सब लोगों को यस सर कोई कंफ्यूजन सम में स्टूडेंट्स कंप्लीट करो चलो फटाफट सर सर इसका पिक भेजो ना पिक भेजता हूँ हाँ बेटा किसी को डाउट था शायद कोई बोल रहा था सर सर हाँ बोल बेटा सर एक एग्जाम कितने मार्क्स में आता है 8 मार्क कंपलसरी सेक्शन ई में एक एडमिशन एक रिटायरमेंट और एक शेयर कैपिटल 8 मार्क में आते हैं तीनों सर हाँ बेटा तो जैसे इसमें क्वेश्चन में प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ दिया नहीं था तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वो लोग परसेंटेज में दे प्रीमियम का अमाउंट डिवाइड करने के लिए हाँ देंगे ना इसमें क्या है क्या फर्क पड़ता है अपन को सर यस बेटा सर सर सेकंड नंबर वो जो 20 लाख कैसे आया
डिफरेंस 28,70,000 में से 70,000 और 8,00,000 को माइनस कर दिया बेटा, बाकी 20,00,000 बचा। सर यस बेटा, सर इसमें हमें प्रीमियम का कुछ दिया नहीं था इसलिए हमने 1-1 रुपया लिया। नहीं बेटा, उन्होंने क्या लिखा था, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग पैसा मंगवा रहे हैं बेटा, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब जो 4 रुपया प्रीमियम वो सब में 1-1 रुपया हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, वो अपन को स्पेसिफाई करके देते हैं भाई, जैसे एप्लीकेशन है तो उसमें इतना प्रीमियम, अलॉटमेंट है तो उसमें इतना प्रीमियम, फर्स्ट कॉल है तो उसपे इतना प्रीमियम, फाइनल कॉल है तो उसपे इतना प्रीमियम। यहाँ पे क्या 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है तो प्रीमियम भी 4 इंस्टॉलमेंट में आएगा। ओके सर, अभी आ रहे हैं। हाँ जी जी
स्टूडेंट सम कंप्लीट हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। ऑल डन। किसी को बाकी तो नहीं है ना बेटा? नो सर। ठीक है, लिखो सम, लिखो बेटा। अब नेक्स्ट सम, ये आप लोगों के होमवर्क में बेटा, क्योंकि 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में सम होगा नहीं लाइव में, तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। जो पता ना चले ना क्वेश्चन में पूछ लेना बेटा, ठीक है ना? तो फिर परसों हम लोग इसको वेरीफाई करके और फिर नेक्स्ट टाइप के सम्स हम लोग शुरू करेंगे। चलो लिखो बेटा, राहुल लिमिटेड इश्यूड, राहुल लिमिटेड इश्यूड 9 लाख इक्विटी शेयर्स, 9 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 40% प्रीमियम, एट 40% प्रीमियम। अमाउंट वॉज कॉल्ड अपॉन एज अंडर, अमाउंट वॉज कॉल्ड अपॉन एज अंडर विथ एप्लीकेशन ₹5, विथ एप्लीकेशन ₹5, ब्रैकेट में 50% प्रीमियम, ब्रैकेट में 50% प्रीमियम। With allotment ₹5, with allotment ₹5, bracket में 50% premium. With first call ₹2, with final call ₹2, company has received applications of ₹9,25,000 and excess applications were rejected. Write general entries. सर ₹2 हुआ ना प्रीमियम। यस परफेक्ट बेटा। अब ₹2 कैसे पता चला? 40% प्रीमियम है बेटा, तो ₹10 का 40% मतलब ₹4 प्रीमियम है, 50% एप्लीकेशन पे है, तो 4 का 50% मतलब ₹2 एप्लीकेशन पे और बाकी ₹2 अलॉटमेंट पे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें 50% है तो हाँ। ऐसा भी आ सकता है कि इन केस की अगर एक जैसे एप्लीकेशन पे 33% अलॉटमेंट पे 33% तो पॉइंट में हो जाएगा बेटा, वो 33 नहीं होगा, फिर वो 30% भी आ सकता है, 35% भी आ सकता है। पॉइंट में कभी कंपनी नहीं मंगवाएगी बेटा, 0.66666 ऐसा नहीं मंगवाएगी कभी भी, उसकी जर्नल एंट्री कैसे करेगी? पॉइंट में थोड़ी अमाउंट लिखेगी बेटा। स्टूडेंट्स सब में किसी को कोई भी डाउट बेटा क्वेश्चन में? ओके अब स्टूडेंट्स ये सम आप लोगों के होमवर्क में, सैटरडे को पहले बेटा हम लोग इस सम को वेरीफाई करेंगे और ये सम को वेरीफाई करने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग सैटरडे को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यस सर। ओके बाय बाय, विल मीट ऑन सैटरडे। ऑफ बाय बाय।